नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आई हूँ मैं भुट्टे दाने की चाट की रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे मक्के का दाना का चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मक्के का दाना निकाल लिया है पहले से, और यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। तो कुकर में मक्के के दाने को डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ एक गिलास पानी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, इसको गैस में चढ़ा देते हैं, और इसको 3-4 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मक्के का दाना अच्छे से पक चुका है। अब इसको छन्नी से छान कर इसको पानी को अलग कर देंगे। इस प्रकार से किसी भी छन्नी से छान लेंगे जिससे इसका पानी अलग हो जाए। तो इसको मैंने बर्तन में डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा आम लिया है, प्याज है, हरा मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, इसमें सभी चीज़ों को मिला देंगे। और यहाँ पे मैंने अभी आम का सीज़न है तो आम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे आम लिया है। अब आम की जगह आप नींबू का रस ले सकते हैं। काली मिर्च, जीरे पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, तो मैं इसमें 1 चम्मच चाट मसाला मिला दे रही हूँ। इस प्रकार से और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। यहाँ पे मिला रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक, और क्योंकि मैंने पहले उबालते वक्त ही मैंने नमक इसमें और मिलाया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा चाट रेडी है, टेस्टी टेस्टी, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए।